क्या कहिएगा? मेरे हिसाब से प्रेम प्रसंग का मामला नहीं है, आप ऑलरेडी मेरे मोबाइल में मैसेज देख सकते हैं। देखिए इसमें लिखा गया है कि नाबालिग लड़की के साथ युवक ने किया दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर युवक ने अपने सगीदों के साथ पहुँच जान मारने का दिया धमकी। पीड़ित युवती की मां ने थाने में आवेदन देकर कार्रवाई का किया मांग। तुरकौलिया थाना क्षेत्र के एक गांव का मामला है। मतलब कब का मैसेज? कल का, कल का। हत्या से पहले आवेदन दे दिया जाता है? कल आवेदन दिया है। फोटो की कैसे मालूम चला कि कल आवेदन दिया गया है? कल का आवेदन है, कल का आवेदन है। सुबह में मिल गया। इसको प्रेम प्रसंग का मामला दीजिएगा या साजिश दीजिएगा? साजिश करके मंगाया है, कोई प्रेम प्रसंग नहीं है। लड़का और ये लड़का दोनों एक साथ पढ़ता था, दोनों दोस्त था, क्लास फ्रेंड था। नीतीश और लड़की का भाई दोनों दोस्त था। और ये सब प्लानिंग द्वारा हुआ है। कैसे कह सकते हैं कि प्लानिंग है? लड़का वहाँ जाता आता था या कुछ ऐसा? पहले से कोई चर्चा नहीं था, पहले से कोई नहीं जानता है जाता आता था। मोतिहारी रह के पढ़ता था, मोतिहारी से कैसे आया ये सब पहले से कोई किसी को पता नहीं। वहाँ फोटो लीजिए। सौ अभी आपके दरवाजे तक आया है, इसमें प्रेम प्रसंग बताया जाता है कि साजिश है, क्या कहिएगा? अब तो हम लोग क्या बताए, प्रशासन के सामने है, जो प्रशासन करेगा वो अपना। कुछ न्यूज में खबर चल रहा है कि नीतीश का प्रेम प्रसंग था बगल के ही गांव की एक लड़की से, बुटेली सा की जो लड़की बताया जाता सही बात है। सही बात है, सही बात है। प्रेम प्रसंग का ही मामला है। हाँ मामला है प्रेम प्रसंग का। कहेंगे वही कहेंगे कि इनको मारा गया है, अच्छा नहीं है। वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नीतीश को मारा गया है, लेकिन इसमें जो प्रेम प्रसंग की नई बात आ रही है, साजिश की बात आ रही है, तो ये कहाँ तक सच है? ये तो साजिश करके ही मारा गया है और ये बहुत बड़ा गलत हुआ है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। क्या कहिएगा? कानून और न्याय प्रशासन से आज के डेट में खुलेआम हत्या हो जाना बिहार में अपराध बढ़ गया है, ऐसे पहले हत्या कहीं नहीं होता था। देखिए प्रशासन से यही कहना है कि प्रशासन अपनी पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई करे और इसको न्याय हर हाल में मिलना चाहिए। देखिए जिस उम्र में नीतीश के दादी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस उम्र में पोता को जाते हुए कितना अफसोस की बात है। क्या काम दादी? देखिए दादी का रो रो का पूरा हाल है। दादी का उम्र लगभग कितना होगा? इनका उम्र, इनका उम्र लगभग 90-85। नीतीश का उम्र कितना होगा? 20-21 के करीब होगा। देखिए ये कलयुग में अपराध बिहार में कितना बढ़ गया है कि जिस उम्र में दादी यहाँ पे स्क्रीन पे है, उसी इन्हीं के सामने पोता नीतीश कुमार का भी शव रखा गया है। तो देखिए यहाँ पे गांव वाले की काफी महिलाओं और सबका मतलब भीड़ इकट्ठा हुआ है। रो रो का इनकी मम्मी नहीं है?